अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। थोड़ा सा तवज्जो रखें। तवज्जो, बैठ जा। मैं आपको एक नुक्ता समझाने लगा हूँ। चंगी मत पे देना है मनु। तरावी अकल के मुताबिक भी 20 रकात है। अच्छा, कुरान हदीस तो हो गया ना, अकल के मुताबिक भी। आप कहेंगे कैसे? दसो। तवज्जो रखना, मैं एक हदीस पाक को दूसरी के साथ मिलाकर समझाऊंगा। चलो चलो चलो। हम दिन में, एक दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं। आहुजी, ये तो मैं कभी सोचे ही नहीं। इसमें फर्ज कितने हैं? तनु नहीं पता। फर्जों की रकातें गिने ना तो वो बनते हैं 17। जी 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 जी, गिनवाऊं? चलो। 2 रकात सुबह। हाय हाय हाय। 4 रकात जोहर, कितने हो गए बताओ? 4 रकात असर, कितने हो गए? मैं नहीं बताऊंगा। और 3 रकात मगरब, कितने हो गए? 13। और 4 रकात ईशा, कितने हो गए? 17। 17 रकात बनती है। उसके साथ है वितर। वितर कितने हैं? वितर भी तकरीबन वाजिब है ना, वो फर्ज के साथ लगे होते हैं। है? तो इसको छोड़ दे तो फिर भी पढ़ने पड़ते हैं, तो इसको भी गोया फर्ज ही समझो। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? तो 17 और 3 तो हमारे फराइज और वाजिबात की तादाद कितनी हो गई? 20। मुझे बताए, एक बंदा अगर रो रो के कहे कि 2 जमा 2 5 होते हैं, आप उसके आंसू पोंछते रहेंगे कि ठीक है यार, आज के बाद 5 ही होते हैं? ये वही चीज है। तवज्जो रखना, मैं एक हदीस पाक को दूसरी के साथ मिलाकर समझाऊंगा। एक केड़ा दीन है, एक केड़ी आयत है, केड़ी हदीस है। बेशरम आदमी। Ha ha ha!